हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? वीडियो की शुरुआत इस धतूरा के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो ये भी एक धतूरा का प्लांट है और ये पहाड़ी इलाके वाले धतूरा है। हमारे ये यूपी साइड में नहीं देखने को मिलता है और इसको मैंने देहरादून से लाया था। तो चलिए फ्रेंड, तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आज मैं आपको अलमंडा प्लांट की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी। रूट बाउंड हो गया है तो इस फरवरी मंथ में कैसे रिपोर्टिंग करेंगे कि बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाए और उस पर अच्छे से फूल आए और कलियां आए, सब कुछ अच्छे से हो, प्रॉपर तरीके से उसका विकास हो, तो आज उसकी रिपोर्टिंग करना बताएंगे। तो आप भी समय रहते कर लीजिए। आपने अगर नहीं किया है, रूट बाउंड हो गया है, तो इस फरवरी मंथ में आप कर डालिए ताकि मार्च आते आते पूरे उस पर हैवी फ्लावर आने लगे। तो आज 16 या 17 तारीख है, तो आज के दिन मैं कर रही हूँ और 15 दिन में देखिएगा इस पे फूल और कलियों से ये पौधा भर जाएगा। तो देख सकते हैं, यही है मेरा, ये अलमंडा का है। इसमें दो तरह की वैरायटी है। इसको मैंने कटिंग से लगाया था एक बकेट में और ये बहुत जंगल झाड़ ये सा हो गया है। इसकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं और पूरा ये अजीब अजीब सा दिख रहा है। तो इसकी रिपोर्टिंग एक बार मैं कर दूँगी तो अच्छे से फिर ग्रो पकड़ लेगा। तो उसमें दो तरह का मैंने लगाया था और वो भी कटिंग से लगाया था और कटिंग मेरी चल गई थी और अच्छे से विकास कर गया था फ्रेंड। तो इसमें से बकेट में से निकाल कर और उसके बाद तब हम इस वाले गमले में लगाएंगे। रूट बाउंड होने का पहचान ये है कि उसकी जड़ें ऊपर तक आ जाती हैं, वही रूट बाउंड का पहचान है। रूट बाउंड होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं? प्रॉब्लम ये होती हैं, रूट बाउंड होने से प्लांट में विकास नहीं होता है और प्लांट पर जब विकास नहीं होगा तो उस पर कलियाँ वगैरह नहीं आएंगी या न्यू पत्तियाँ नहीं आएंगी और उस वो पौधा ज़्यादातर बीमार रहने लगता है रूट बाउंड होने से। तो आप साल में एक बार हर प्लांट की दोबारा रिपोर्टिंग कर लिया करिए। इससे ये होता है कि प्लांट बहुत अच्छे से विकास होता है और जो एक्स्ट्रा जड़ें वगैरह रहती हैं उसको काट के निकाल दिया जाता है तो बहुत अच्छे से विकास करता है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो चलिए इस गमले में से, अरे सॉरी, इस बकेट में से पहले निकाल लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से ही करना है तो एक हाथ से दोनों काम हो नहीं पाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए बकेट में से निकाल लेते हैं तो फिर आपको रूट बाउंड दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत मशक्क़त लगे हैं, मेरी सांस फूल गई। इसको निकालने में काफ़ी समय लग गया, निकल नहीं रहा था। कुछ जड़ों को काटी हूँ, निचोड़ी हूँ, तब जाके निकला है और इतने इतना सख्त हो गया था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। हे भगवान, ये है कि रिपोर्टिंग वगैरह आप लोग करिएगा तो किसी एक मेंबर को लेकर करिएगा, नहीं तो आसानी से निकलने वाले हैं नहीं कुछ प्लांट। निकालते निकालते मेरी हालत ख़राब हो गई और नहीं तो चोट भी लग गई मेरे को। तो चलिए मिट्टी दिखाते हैं, क्या क्या लेते हैं मिट्टी। और ये देख सकते हैं, मैंने मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की थी इसकी, उसके बाद भी बकेट में से निकलने का नाम नहीं ले रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई। लेकिन आप लोग ये गलती ना करिएगा, अगर निकालिएगा तो किसी मेंबर को लेकर निकालिएगा उसकी सहायता से, नहीं तो कमर तो टेढ़ी हो जाने वाली है। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई, निकल ही नहीं रहा था इसमें से मिट्टी में। चलिए दिखाते हैं क्या क्या लिए हैं। हे भगवान, तो देख सकते हैं मैंने ये लिया था फंगिसाइड पाउडर है और इसी में ये गोबर की खाद थी जो ढक गई है। ये देख सकते हैं, ये गोबर की खाद है और नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है और ये ब्रान है। ब्रान उसे कहते हैं जब धान कुट्टी को जाती है तो उसका जो बारीक वाला भूसी निकलता है वही ब्रान होता है। इन सबको मिलाकर उसके बाद तो हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो चलिए इन सबको मिला लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये मेरा 1.5 चम्मच के करीब ये मल्टी विटामिन है, इसको लिए हैं ताकि पौधा मेरा बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों को मैं छेड़ रही हूँ। तो छेड़ने का मतलब है उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा तभी जाके पौधे का उचित विकास जल्दी से हो पाएगा, 15 दिन में रेडी हो जाएगा फूल देने के लिए। तो चलिए इसको डाल लेते हैं, उसके बाद तो फिर इस मिट्टी को मिला लेते हैं तो फिर मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मिला लिया है अच्छे से और इसमें कुछ गार्डन वेस्ट मटेरियल भी है तो सबको इसी में डाल के रिपोर्टिंग कर दूँगी। मेरी मिट्टी और हल्की तैयार होगी और हल्की रहेगी तो जड़ों का अच्छे से जल्दी से विकास कर जाएगा। तो देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि कितना मतलब हुआ है। और मुझे लगता है ये 2 गमलों की मिट्टी है, लेकिन खैर मैंने फर्टिलाइज़र तो 1 ही गमले में मिलाया है और जो ये मिट्टी बच रही है इससे मैं दूसरे किसी
प्लांट की रिपोर्टिंग कर लूँगी। तो मैंने बस इतना ही एरिया में मिलाया है और इतना एरिया छोड़ दिया है। तो चलिए रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, देख सकते हैं ये मैंने 18 इंच का गमला लिया है, काफ़ी बड़ा गमला है। और गमला लेने से पहले ये देख लीजिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तभी उसमें से जो भी आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे छन के निकल जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि प्लांट ख़राब होने के चांसेज नहीं रहते हैं, पौधे का उचित विकास होता है ड्रेनेज सिस्टम से। और अगर पानी गमले में रुक जाता है तो उसके कारण ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यही करिएगा कि जो भी आप पौधा लगाएं तो अच्छे ड्रेनेज सिस्टम वाले गमले में ही लगाएं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे छन के निकल जाए। तो इसके नीचे हम पहले कुछ गार्डन का वेस्ट मटेरियल डालेंगे, थोड़ा बहुत लेकर बैठे हैं तो थोड़ा बहुत ही डालेंगे। और तो मैंने कंपोस्ट होने के लिए डाल दिया है, और ये थोड़ा बहुत रह गया है तो इसको मैं ऊपर से डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं कुछ हिस्सा मिट्टी डालूँगी। मिट्टी डालने के बाद इस मिट्टी को मैं अच्छे से पहले बैठा लूँगी, उसके बाद तब पौधा लगाऊँगी। तो देख सकते हैं मैं मिट्टी को अच्छे से हाथों की सहायता से ऐसे दबा दे रही हूँ, उसके बाद तब इसमें मैं प्लांट को डालूँगी। चलिए तो प्लांट को डालते हैं। लेकिन आप ये गलती ना करिएगा, अगर कोई बड़ा पौधा हो तो किसी गार्जियन को या किसी भी मतलब पर्सन को लेकर ही रिपोर्टिंग वगैरह करिएगा, नहीं तो ज़्यादातर चांसेस हैं घटना घटने की। और ये देख सकते हैं कि रूट बाउंड होने के कारण ये जो जड़ें हैं ये सड़ रही थी, इसके कारण मेरा पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता, इसका विकास नहीं हो पाता। तो इसकी मिट्टी थोड़ा सा और मैं झाड़ ली, और चलिए इसमें मैं अच्छे से ऐसे फिक्स कर ली हूँ। अब इसमें फिर मैं मिट्टी डाल के तब दबाती हूँ। अगर कुछ देखने में इधर उधर हो जाए फ्रेंड तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा है और एक हाथ से इतना बड़ा एक प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और घर पे मेरे कोई है नहीं इस समय, बच्चे लोग स्कूल गए हैं और सभी लोग ड्यूटी गए हैं। तो चलिए ऐसे मैंने दबा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा और मिट्टी मैं ले लूँगी। पर्याप्त मिट्टी मैंने लिया है। अब इस मिट्टी को मैं किसी खुरपी से दबा दूंगी, ताकि ये होगा कि ड्रेनेज जो मैंने रूट बाउंड खोला था, जैसे मैंने जड़ें जो खोल दी थी उस पर हवा ना लग पाए, हवा लगेगी तो बहुत जल्दी चांसेज हो जाएंगे ख़राब होने के। तो इसको अच्छे से दबा दीजिएगा खुरपी की सहायता से। तो चलिए मैं दबा लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा दिया है, और जिस जगह मेरे को गमला रखना था वहाँ भी मैं खींच कर ला दी हूँ। अब इसके बाद पानी डालूँगी, इसलिए कि गमले का वज़न बढ़ जाता है। गमले का वज़न बढ़ने से पहले ही मैंने उसको एक अच्छी जगह दे दी है। तो फंगीसाइड पाउडर वाला मैं पानी डाली हूँ, और पर्याप्त मात्रा में आज के दिन डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी रिपोर्टिंग की है। और उसके बाद मैं छोड़ दूँगी ऐसे, यहाँ ऐसे धूप ज़्यादा देर की नहीं आती है। तो आप कोशिश यही करिएगा, अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ अपने प्लांट को रखिएगा जहाँ 2-2.5 घंटे की धूप आती हो, इससे अधिक नहीं, नहीं तो प्लांट के सूखने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो उसको यही कोशिश करिएगा कि सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।